इसमें एक चीज और भी अभी कादी फैजी साहब आपके साथ, जिसके ऊपर आपको सबको मजम्मत करनी चाहिए। मैं चिल्लाता रहा, बार बार कहता रहा कि कादी साहब मुझे बुलाए, मुझे बुलाकर पूछे और आप अपनी अदालत में खड़े होकर क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कौन है इमरान रियाज? तो कादी साहब मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। काजी फैज ईसा साहब के लानत वाले ट्रेंड के बाद यानी 2 माह बाद एक वीडियो सामने आती है। 2 माह पहले ये इंसिडेंट हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डोनट ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चल पड़ा और इमरान रियाज खान ने भी इस पे क्लास ले डाली। काजी फैज ईसा साहब की लगे हाथों इन्होंने वो चित्रोल वाली बातें की। ऐसे इमरान रियाज खान ने काजी साहब के बखिए उधेड़े कि हलचल मच गई। आप इख्तिताम मिस मत कीजिएगा वीडियो का, आगे भी जरूर शेयर कीजिए और जरा देख लीजिए। इसमें एक चीज और भी कादी फैज ईसा साहब के साथ, जिसके ऊपर आपको सबको मजम्मत करनी चाहिए। देखिए, ये क्रिस्टीज डोनट्स है, एक बेकरी है इस्लामाबाद में। यहाँ पे कादी फैज ईसा साहब अपनी फैमिली के साथ गए थे और वहाँ पे एक सेलमैन ने उनके साथ बदतमीजी की और उसकी वीडियो भी बनाई। अच्छा, वो यानी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कादी फैज ईसा साहब के दौर में खवातीन के साथ बड़ी बदतमीजी हुई है, खवातीन के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई है, औरतों को सड़कों पर घसीटा गया है, औरतों को जेलों में बेगुनाह डाला गया है, जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया है, लिहाजा कादी साहब डिजर्व करते हैं। मैं चिल्लाता रहा, बार बार कहता रहा कि कादी साहब मुझे बुलाए, मुझे बुलाकर पूछे और आप अपनी अदालत में खड़े होकर क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कौन है इमरान रियाज? तो कादी साहब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जिन इदारों ने उठाया था और जिन्होंने मुझे गायब किया, उन्होंने मुझे कहा था कि जब हमारा चीफ जस्टिस आएगा जो हमारी बात सुनेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तुझे इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो बुलाकर पूछेगा कि ये बंदा कहां गया था और इतना जबर और जुल्म इसके ऊपर हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कादी साहब, आपके ऊपर इतना भरोसा था उन रियासती इदारों को जिन्होंने मुझे अगवा किया, मुझ पे तशद्दुद किया, मेरे और मेरे घर वालों के लिए 5 महीने तक अजियत का बाइस बने रहे। कादी साहब, आप ही के दौर में मुझे एहराम समेत हज में जाते हुए रोका गया और आपकी अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रखा गया। आप नहीं जागे। हम आपसे बहुत बेहतर हैं, हमारी इखलाकियात भी आपसे बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल में हमारा रवैया भी आपसे बहुत बेहतर है। कादी साहब से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, मैं फिर आपको यह कह रहा हूं। तो काजी साहब को आज इमरान रियाज खान ने बताया कि जब आप पूछा करते थे कि कौन है इमरान रियाज, तो आज मैं आपको बताता हूँ कौन है इमरान रियाज। पाकिस्तानी बहुत से ऐसे थे जिनके हवाले से काजी साहब कोई वैल्यू ही नहीं दिया करते थे इस अवाम को, और जिन लोगों के हवाले से काजी साहब ला इल्मी का इजहार किया करते थे, हवाम की ताकत से इन्हें अंदाज़ा नहीं होता था। आज ताकत देखिए, आज कैसे हर तरफ काजी साहब की बेइज्जती पे डोनट्स खाए जा रहे हैं, इंजॉय किया जा रहा है। काजी साहब अगले कुछ अरसे के लिए कैसे एक्सटेंशन लेंगे, कैसे ये चीफ जस्टिस बन के रहेंगे, ये अब इन्हें सोचना होगा। किस कदर अवाम में नफरत है इस चीज़ की सेलिब्रेशंस आप देख लीजिए। वीडियो आज की मैक्सिमम शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, सेलेक्ट द नोटिफिकेशंस एट ऑल।